नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अंकित वर्मा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा है तो आपको पहले समझना होगा कि आपके यूट्यूब चैनल पर व्यूज क्यों नहीं आ रहा, किस लिए नहीं आ रहा। ये तो अपने वीडियो में थंबनेल लगाना सीखिए, थंबनेल बनाना भी सीखिए। ये तो उसके बाद मैं फुल डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको अपने वीडियो का थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को फुल वॉच करना होगा, इसकी बिल्कुल नहीं करना है। 100% मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको थंबनेल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो में शुरू करता हूँ। अपनी मोबाइल को यहाँ पे देख सकते हैं, आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में तीन एप्लीकेशन आपको यूज करना है। तीन एप्लीकेशन में तो बैकग्राउंड रेजर और रिमनी और एक पिक्सल लैब, ये तीन एप्लीकेशन आप अपने प्ले स्टोर से जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। तीन एप्लीकेशन के जरिए आपका यूट्यूब वीडियो का थंबनेल बनके तैयार होगा। अगर एक इसमें से एक भी एप्लीकेशन आपके पास नहीं है तो आपका थंबनेल बनके तैयार नहीं होगा, क्योंकि रिमनी से आप अपने फोटो को बेहतरीन से उसको सेट कर सकते हैं, बैकग्राउंड हटा सकते हैं बैकग्राउंड रेजर लाइट से। ये तो जैसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये है आपका पिक्सल लैब। तो सबसे पहले अपने वीडियो को अपने गैलरी पे क्लिक करता हूँ। जब गैलरी पे क्लिक करेंगे तो मैं तो देख सकते हैं ये हमारी गैलरी ओपन हो गया। तो एल्बम पर मैंने क्लिक करता हूँ और हमने आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड हटा हुआ फोटो, यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पे थंबनेल देखिए भाई, यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं है, इसमें भी बैकग्राउंड नहीं है। तो आपको पहले अपने वीडियो को थंबनेल को इस तरह से आपको फोटो बना लेना है। इस तरह आपको पहले साइज इस तरह से फोटो बना लेना है, इस तरह से फोटो ले लेना है। इस तरह आप जैसा फोटो लगाना चाहते हैं उस तरह का आपको फोटो ले लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे थंबनेल बनके रेडी है, लगा हुआ है। तो वो करना क्या है, आपको थंबनेल बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आपको थोड़ा बैक जाता हूँ और पिक्सल लैब को क्लिक करता हूँ। जैसे पिक्सल लैब क्लिक करेंगे तो ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर में जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। इसी एप्लीकेशन के बड़े बड़े यूट्यूबर थंबनेल अपना बनाते हैं। तो आपको डन ओके कर देना है। ओके करने पर मैं इसको हटा देता हूँ, पहले थंबनेल हमने बनाया था। तो जैसे इसको हमने हटा दिया है तो जब आप इसको अपना पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। जी तो जैसे इस तरह का इंटरफेस शो करेगा तो आपको पहले अपने जो थंबनेल साइज को सेट कर लेना है। साइज सेट करने के लिए तीन रुपए यहाँ पे सामने दिया है ऊंचे, तीन रुपए क्लिक करना है। और पहला नंबर है यूज इमेज फॉर गैलरी फुल स्क्रीन, यूज इमेज फॉर कैमरा स्पॉट इमेज और इमेज साइज। तो इमेज साइज पर क्लिक करना है और कस्टम साइज पर क्लिक करके यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तीन चार ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। अब ये आपका साइज सेट हो गया है। तो इसको आपको हटाने के लिए डिलीट ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और ओके कर देना है, ये हट गया। अब इसके अंदर पहले अपना बैकग्राउंड बना लेना है। आपका बैकग्राउंड किस तरह का रहेगा मेरे तो देखते हैं, ये आपका बैकग्राउंड किस तरह का रहेगा इसको आपको सेट कर लेना है। सेट करने के लिए आपको यहाँ पे जो डबल टैप दिख रहा है मेरे दोस्त चौखंडे एडमिशन का, इस पर क्लिक करना है और कलर पर क्लिक कर देना है। और कलर पर आ जाएंगे तो आपको इसके अंदर जो कलर आप लेना चाहते हैं, अपने वीडियो में इस्तेमाल करना चाहते हैं, वैसा कलर आप इसके अंदर से सेट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा कलर दिया गया है, कस्टम भी कर सकते हैं। प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और जो कलर आपको जैसा चाहते हैं वैसा इसको सेट कर सकते हैं, ये कलर हो जाएगा। और जैसे ग्रेनाइट करना चाहते हैं, डबल कलर रखना चाहते हैं तो ग्रेनाइट पर क्लिक करना है। और डबल कलर करने के लिए मैं तो इसको यहाँ पे देखिए डबल कलर दिया गया, देखते हैं लाल उज्जवल हरा उज्जवल, इस तरह का कलर चेंज हो जाएगा। तो आपको इसको आपको समझ में आएगा कि आपको बैकग्राउंड पहले बना लेना है, क्लिक पर बैकग्राउंड बना लेना है। तो प्लस आके पर मैंने क्लिक करता हूँ और हमको बैकग्राउंड बनाने जा रहे हैं, मेरे देख सकते हैं हमने इसको काला कर दिया। काला करने के बाद मेरे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड ओके हो गया, बन के रेडी हो गया। तो आपको पहले नंबर क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखना है, आपको टाइप यहाँ पे लिखना है, इसको डन कर देना है और ये फ्रंट पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे लिखने के लिए ऑप्शन आ गया, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ गया है। इसके अंदर आपको क्या लिखना है मेरे तो ध्यान देना है, उसके अंदर आपको क्या लिखना है, दो चार जैसे मैं थंबनेल बना रहा हूँ आप उसको देखिए समझिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसईओ बटन ऑन करते ही मैं तो यहाँ पे हमको लिखना है एसईओ बटन ऑन करते ही एडिट पे क्लिक किया और इसको हटा देते हैं, फिर वो यस ई ओ एसईओ अपनी हिंदी कर देते हैं, फिर बटन बटन ओ एन ऑन करते ही ऑन करते ही फिर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एसईओ बटन ऑन करते ही ऑप्शन आ गया है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा को मोटा करने के लिए इसको करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं फॉन्ट का ऑप्शन दिया गया है। फॉन्ट पे क्लिक करके आप कोई भी फॉन्ट इसके अंदर यूज कर सकते हैं, फिर ओके कर देना है। उसके बाद इसको करेंगे तो साइज दिख रहा है, यहाँ पे साइज का ऑप्शन दिया है तो साइज पे क्लिक करना है, डबल टी है तो इतना बड़ा कर लेते हैं एसईओ, यहाँ पे देखिए एसईओ हमने लिख दिया, फिर वो ओके कर देना है। फिर इसको करेंगे, इसके शैडो लगाना चाहते हैं
यहाँ पर लिखा है साइटो पे क्लिक करना है, ऑन कर देना है। ऑन कर जिस प्रकार का आप साइटो लगाना चाहते हैं उस प्रकार का आप उसके अंदर साइटो लगा सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने पीला कर दिया देख सकते हैं, या काला कर दीजिए, लाल कर दीजिए, जैसा आप उसके अंदर सेट करना चाहते हैं वैसा इसके अंदर आपको साइटो लगा लेना है। मैं तो देख सकते हैं यहाँ पर साइटो हमारा लग गया, फिर ओके कर देना है। ओके करने के बाद उसके बाद भाई जाता है यहाँ पे देखिए लिखना है एसईओ बटन ऑन करते ही, तो हम यहाँ पे यहाँ पे देखते हैं चलने लगेगी सारी वीडियो, यहाँ पे लिखना क्या है चलने लगेगी सारी वीडियो, तो ओके कर देना है, फिर इसको हटा देना है। सी ये चलने लगेगी सारी वीडियो, वीडियो सारी वीडियो ओके कर देना है। यहाँ पे लेके आके रख देना है, फिर थोड़ा इसको करेंगे और इसका भी साइज बढ़ा सा घटा सकते हैं जैसा चाहते वैसा कर सकते हैं। तो साइज पे क्लिक करके फिर डन कर देना है। आप कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने इसका कलर को कर देते हैं काला, फिर ओके कर देते हैं, फिर इंटर करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिया है, इस पर वो करके ओके कर देना है। अब ओके कर देना है, यहाँ पे फिर आपको बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं इस कलर का बैकग्राउंड, तो यहाँ पर टी एक सिंगल टी है बैकग्राउंड लिखा है, इस पर क्लिक करना है, इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद इसको करेंगे, अब जैसे इसका बैकग्राउंड हमारा चेंज हो गया है, इसको स्क्रॉल करेंगे लेफ्ट पे क्लिक करें, यहाँ का बैकग्राउंड पीछे का तरफ ज़्यादा भाग जाएगा, देख सकते हैं सेट कर देना है। और यहाँ पे नीचे जाएगा, इसको स्क्रॉल करें तो ये गोल तरीका सा दिखने लगेगा, फिर इंटर कर देना है। अब इसको आपको साइज को सेट करना है, इस तरह से साइज सेट करने के बाद यहाँ पर लगा देना है एसईओ बटन ऑन करते हैं चलने की सारी वीडियो, इस तरह से आपको टाइटल लिख लेना है। आपको फोटो लगाने के लिए आपको देखना है गोल आकार दिख रहा है यहाँ पे बीच में, इस पर क्लिक करना है और इम्पोर्ट पर क्लिक कर देना है। अब इम्पोर्ट पर क्लिक करने पे आपका गैलरी ओपन हो जाएगा, तो जो वीडियो आपको अपने मोबाइल में लगना चाहते हैं, जो अपने वीडियो जो फोटो का बैकग्राउंड हटा चुके हैं उसको आपको सेट करने के लिए आपको देखना है प्रिंट पर क्लिक करना है, और जो हमने वीडियो को हमने भेजा है हमारे मोबाइल में हमारे कैमरा में कहाँ पर है इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है, जो फोटो हमको लेना चाहते हैं उस फोटो को क्रॉप कर देना है और इंटर कर देना है। और इसको देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे इसको करेंगे और जहाँ पे इसको लगाना चाहते हैं वहाँ पे इसको सेट कर देना है। यह तो इस तरह से आप अपने वीडियो को थंबनेल बना सकते हैं, और थंबनेल बनाने के बाद मैं तो इसमें जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि फोटो हमारा सही से दिख नहीं रहा है। आप देखिए एसईओ बटन ऑन करते ही इस तरह आपको फ्रंट लग जाएगा, फोटो भी लग जाएगा, कलर भी हो जाएगा, सब कुछ हो गया। उसके बाद इसके अंदर आप कुछ हेडिंग भी लिखना चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। हेडिंग लिखने के लिए मैं क्या लिखना चाहता हूँ यहाँ पे, भाई किसी का फोन आ गया यार, हेलो, हाँ वर्मा जी से बात हो रही, हाँ डला लेंगे, हाँ यूज, हाँ हाँ करा ले, ठीक है ठीक, चलो। ये तो जैसे इसके अंदर आपको फोन में क्या लिखना है थोड़ा इसको करेंगे, यहाँ पे लाइव प्रूफ आंखों के सामने, यहाँ पे लिखना है लाइव प्रूफ आंखों के सामने, इंटर कर देना है, इसको हटा देना है, फिर लिखना है LIV लाइव प्रूफ लाइव प्रूफ, भाई लिख जा भाई, लाइव प्रूफ आंखों के सामने, आंखों के सामने इंटर कर देना है। इंटर करना यहाँ पर लाइव प्रूफ आंखों के सामने लिख देना है, फिर उसके बाद इसके अंदर कुछ भी और हेडिंग लगाना चाहते हैं, फोटो भी लिखना चाहते हैं, कुछ भी लिखना इसके अंदर लगाना चाहते हैं उसको सेट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर थंबनेल ही लगा देते हैं, हमने इंटर कर दिया और ये थंबनेल हमारा देख सकते हैं यहाँ पर आ गया है। तो आप देखिए इसके जैसा थंबनेल बन के रेडी हो गया, मैं तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए हमें इसको करता हूँ, आप देखिए भाई थंबनेल बन के यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है।
इस जैसा अपराध हम ना बना सकते हैं पिक्सल लैब के जरिए से सिर्फ 2-3 मिनट के अंदर। तो मैं तो वीडियो पसंद करते तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त अंकित वर्मा, टेक पॉडकास्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।